इसमें विंड पाइप और फूड पाइप के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन होता है। तो हम जब भी पानी पिए या खाना खाएं तो उसका छोटा सा कण उस कनेक्शन के थ्रू विंड पाइप में आ जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, कभी भी विंड पाइप में कुछ चीज़ पहुंचे तो हमें तुरंत खांसी आती है। तो इन पेशेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक लक्षण होता है कुछ भी खाते या पीते के तुरंत बाद खांसी आना, और वो खांसी ऑर्डिनरी नहीं होती, वो पूरा एक बाउट ऑफ कॉफिंग होता है, और कभी कभी तो खांसते खांसते ये लोग फेंट हो जाते हैं। और जब वो बार बार उसमें से हमारा थूक, सलाइवा और खाना जाता रहता है, तो वो जब लंग के अंदर पहुंचता है तो लंग में फिर न्यूमोनिया हो जाता है। वो न्यूमोनिया बाद में कॉम्प्लिकेट होके एब्सेस बन सकता है, लंग फट सकता है, एम्पाइमा बन सकता है, बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, और उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट्स के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं।